ग्रेटर नोएडा की जारचा थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैरों में गोली लग गई। पैर में गोली लगने के बाद बदमाश घायल हो गया। वहीं बदमाश का दूसरा साथी बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायल बदमाश से पुलिस ने लूट का मोबाइल, तमंचा और बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पकड़े गए बदमाश पर लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी तरफ पुलिस फरार बदमाश के कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में लड़खड़ाकर चल रहे इस बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के चोना गांव के पास आज जब पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी दो बाइक सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया। उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश का नाम गौरव है, जो कि गांव का रहने वाला है और लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। साथ ही पहले भी ये लूट के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल हुए बदमाश गौरव को जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं फरार बदमाश के लिए पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक लूटा हुआ मोबाइल फोन, कारतूस, तमंचे बरामद किए हैं। अभी पुलिस इसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। थाना जारचा पुलिस की चौना गांव के पास नहर की पटरी पे बदमाश से मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश घायल हुआ, उसके पैर में गोली लगी है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठा के फरार है। कॉम्बिंग चल रही है और बदमाश के पास से थाना कासना से लूटा हुआ एक मोबाइल बरामद हुआ है। चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कारतूस और तमंचा बरामद हुआ है। शातिर अपराधी है, गौरव नाम है, तिलपता गाँव का रहने वाला है और पहले कई लूटों में जेल जा चुका है। और ये थाना जरसा का एक अच्छा गुड वर्क है और पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाए गए अभियान की कड़ी में एक और बदमाश अच्छा गिरफ्तार हुआ है। वहीं दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई। बादलपुर थाना पुलिस और बिल्लू दुजाना गैंग के बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और बदमाश घायल हो गया, तो वहीं दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायल बदमाश से एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। घायल बदमाश गाजियाबाद के एक स्वीट्स दुकानदार से रंगदारी मांगने के मामले में वांछित रहा था। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, तो वहीं फरार बदमाश के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। देर रात थाना बादलपुर क्षेत्र में बदमाशों से बादलपुर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान कपिल नाम के बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। चेकिंग के क्लियर रोकने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, तो पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लग गई। कपिल नाम के बदमाश को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल रवाना किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 315 मय, एक जिंदा कारतूस व दो खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। घायल और गिरफ्तार बदमाश गाजियाबाद के मदन स्वीट से रंगदारी मांगने के मामले में वांछित चल रहा था, तथा अनिल दुजाना व बिल्लू दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य भी है। ये एक थाना बादलपुर जो है वो गश्त कर रहे थे थाना प्रभारी। इसमें जो है वो चूँकि गश्त में जो है वो संदिग्ध लोगों को चेक करना, उनको जो है टोकाटाकी करना जो है नियमित रहता है। तो ये रोजा फाटक के पास जो है वो सूचना प्राप्त हुई कि दो जो है वो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में यहाँ मौजूद हैं। उस पर जो है वो थाना प्रभारी द्वारा इनको जो है वो टोका गया, जिसमें इनके द्वारा जो है वो पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। उसमें जवाबी फायर में जो है वो एक शख्स, जिसका नाम कपिल बताया जा रहा है, इसको गोली लगी है। इसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो है ये थाना सिंघानी गेट गाजियाबाद से जो है वो एक रंगदारी के मुकदमे में जो बिल्लू दुजाना के साथ भी ये पीछे काम कर चुका है वो वांछित था और ये डेड एंड क्रिमिनल है। इसके ऊपर लगभग 12 मुकदमे हैं और दूसरा अभियुक्त जो है वो भागने में सफल हो गया है। अभी कॉम्बिंग कराई जा रही है और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ ग्रेटर नोएडा से भूपेश प्रताप सिंह, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।